हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया लैपटॉप लेके आए हैं, MSI द गेमिंग बीस्ट। इस लैपटॉप के बारे में हमारे गेमर्स ज़रूर जानते होंगे, इसके परफॉर्मेंस गेमिंग मॉड्यूल्स बहुत अच्छे हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसको अनबॉक्स करके देखेंगे और उसकी प्रॉपर रिव्यू करेंगे। तो आइए बॉक्स ओपन करते हैं। तो आइए इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। इस बॉक्स में पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है, सेफ्टी का ध्यान रखते हुए काफ़ी कार्टन्स और सेफ्टी पिन्स डाले गए हैं। गेमिंग लैपटॉप होने के बाद भी ये लैपटॉप काफ़ी लाइट वेटेड है। आइए बॉक्स में और क्या देखते हैं। यहाँ पर हमें एक यूज़र मैनुअल के पाउच मिला है और हमारे चार्जर हैं अडेप्टर्स, इनको साइड करते हैं। तो हमारे जो मैनुअल्स हैं ये काफ़ी मोटे लग रहे हैं, चेक करते हैं इनमें क्या है। वही पुरानी लिखा पढ़ी जो अपने काम की नहीं है, साइड करो इसे भी। ये इनका गारंटी स्लिप है, इसे सेफ रखें। इसमें बैक साइड में आपको मिल जाता है HDMI पोर्ट और वेंटिलेशन। गेमिंग लैपटॉप में वेंटिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी नहीं थी, ओवर हीट हो जाएगा। तो इस साइड आपको मिलता है एक चार्जर प्लग एंड USB पोर्ट के। सो नेक्स्ट साइड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गोल्डन पोर्ट्स दिख रहे हैं। ये पहली बार हम किसी लैपटॉप में देख रहे हैं कि माइक्रोफोन के लिए और ईयरफोन के लिए दो अलग अलग पोर्ट्स दिए गए हैं। इस साइड में आपको दो USB पोर्ट्स मिलते हैं और एक लैन वायर कनेक्शन। इसके नीचे साइड में आपके वेंटिलेशन और दी हुई है और आपके स्पीकर्स भी नीचे भी बिल्ट है। जो ओपन करके चेक करते हैं, ये हमारा कीबोर्ड कवर। इनका कीबोर्ड सेटअप काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इन्होंने अपने साइड न्यूमेरिक सिस्टम हटा कर रखा है। गेमिंग लैपटॉप कॉम्पैक्ट अच्छा लगता है। तो हमारी रेड लाइट वाली कीबोर्ड हमारे पास है, तो सेटअप कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप में मैक्स टू मैक्स 10 to 11 सेकंड्स लेता है, क्योंकि इसमें SSD मॉड्यूल है जिससे ये बहुत फास्ट होता है। गेमिंग लैपटॉप बिना SSD के क्या ही मज़ा आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विद इन 11 सेकंड ये रिस्टार्ट हो चुका है। आइए कुछ के इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। एंड इसमें आपको 1 TB की HDD और 256 GB SSD मिलती है, जिससे आपके परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ होगी। इसमें आपको इंटेल कोर i5 विथ 10th जनरेशन मिलता है और आपको 8 GB की रैम मिलती है। बाकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजेस बहुत ही कम आ रही है। बाकी जितने भी इसकी परफॉर्मेंस है वो आपकी SSD और रैम आप ग्राफिक कार्ड्स इंक्रीज कर रही है। आप रैम यूजेस देख सकते हैं बहुत कम है। इसमें आपको दो डेडिकेटेड स्लॉट मिलते हैं, आप बाद में इंक्रीज करवा सकते हैं। ये आपके SSD की यूजेज है, काफ़ी स्मूथ जा रही है अभी तक। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव HDD, ये भी काफ़ी स्मूथ है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो यहाँ पे इंटेल का ग्राफिक कार्ड लगा है। इस मॉडल का मुझे सबसे बेस्ट फीचर ये लगा, MSI ड्रैगन सेंटर। यहाँ पर आप अपने गेमिंग फीचर्स के लिए अलग से एक्टिवेशन ले सकते हैं और आपके एंड्रॉयड ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। कोई अलग से सिमुलेटर डाउनलोड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ 11 का अपडेट भी आ चुका है लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे, बाद में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।